सबको एवरीवन, फाइनली हम मेकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज आपको पता ही है 19 मार्च है, जयपुर है मीटअप। तो एवरीवन हम निकलते हैं फिलहाल जयपुर के लिए, और गाइस राम प्रणाम नाम कर लिया और निकलते हैं गाइस जयपुर के लिए। 10 मिनट ही रहे ट्रेन के ओनली, तो चलो चलते हैं फिलहाल गोटन रेलवे स्टेशन। तो फाइनली एवरीवन मिल चुकी है हमें ट्रेन। तो एवरीवन फाइनली पहुंच चुके गाइस स्टेशन। थोड़ा बहुत हो गए हम लेट, क्योंकि ट्रेन पहले 2:25 6:27 से बताई थी, फिर कम मतलब जल्दी आ गई, तो फिलहाल फाइनली हमें मिल गए। तो बैठते हैं गाइस और मिलते हैं ट्रेन में। तो एवरीवन पहले क्या बताया हुआ था, 6:30 पे गए ट्रेन रणथंभौर, 6:30 पे आएगी, बट उससे जल्दी आ गई। तो एवरीवन हम बैठ गए फाइनली, और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं दिलराज भाई दिलराज हमारे इन्हें लगे था बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और वैसे फिलहाल आशीष खड़ा है यहाँ पे, और अभी अब यात्रा होने वाली है हमारी लगभग 400 किलोमीटर की। तो 10 या 11 बजे गाइस हम जयपुर उतर जाएंगे। तो एवरीवन मिलते हैं आपको सीधा जयपुर, इसमें आपको सिनेमेटिक देखने को बहुत मिलेंगे, सांभर झील आदि। तो मिलते हैं गाइस रास्ते में सिनेमेटिक के साथ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर इंतजार था इन खुशियों के लिए, कब से बेकरार था। हीरेनी मेरी है, हीरेनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। तो फाइनली एवरीवन पहुंचने वाले हैं जयपुर, और गाइस ट्रेन यहां पर रुक गई है फिलहाल, और गाइस व्यू चेक करवाते हैं। पहुंच चुके गाइस जयपुर जंक्शन, एंड गाइस काफी मजे आया, सीट वेट मिल गई थी अंदर, तो व्लॉगिंग में कम कर पाया, बट आपने सिनेमेटिक सारे देख लिए होंगे। और गाइस अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, एंड उसके बाद निकलते हैं सीधा मीटअप लोकेशन। कसम से एवरीवन फाइनली आपको बताइए हम पहुंच चुके थे जयपुर, और जयपुर का रेलवे स्टेशन अब कुछ इस तरीके से नया बनने वाला है गाइस, काफी सुंदर लग रहा है, मैप बाहर लगाया हुआ है, और गाइस मंत्री अंदर आए हुए हैं, तो आज काफी भीड़ है, एंड पुलिस सारी फोर्स बहुत ज्यादा है। एवरीवन भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी आज भीड़ है। तो हम होते हैं गाइस एग्जिट बाहर की ओर, और चाय वाय पीते हैं, मिलते हैं आपको बाहर। तो एवरीवन यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय गाइस, काफी थक चुके थे, कुछ सुबह भी कुछ नहीं आया, तो आप पी रहे हैं चाय, एंड चाय पी के मिलते हैं गाइस। तो एवरीवन जहाँ हम पिछली बार रुके थे ना, वहाँ पे आ गए गाइस वापस, एंड अब खाना खाने जा रहे हैं फिलहाल,
और ये कुछ अंकल जी ये ठीक है अंकल मिलते हैं। तो एवरीवन हमने खाने में ये लिया है कुछ भिंडी एंड दाल, गाइस अपनी तो फेवरेट दाल ही है ना। तो एवरीवन खाना खाते हैं और मिलते हैं गाइस जी के साथ आज डायरेक्टर साहब हमारे तो फाइनली एवरीवन हमने खाना खा लिया और खाने में गाइस सुबह से कुछ खाया था नहीं तो भूख लग गई। अब गाइस मीटअप लोकेशन वो कॉलेज है ना उस पे मीटअप है गाइस 2 बजे और हम देखते हैं अभी जाते हैं यहाँ थोड़ी देर बाद जाते हैं तो फिलहाल क्या मूड बनता है आगे बताते हैं। पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू रे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना बे। तो एवरीवन अभी हम आए हैं हवा महल में गाइस तो 2-3 बार आ चुका हूँ बट दिन को मैं नहीं गया था इसलिए अभी दिन में जा रहा हूँ। तो एवरीवन यहाँ से कुछ एंट्री है हवा महल की और बाहर से कुछ ये व्यू है और गाइस यहाँ पे सारी दुकानों के एक ही कलर पिंक कलर किया हुआ है उस पे नाम ही एक है गाइस काफी मुझे अच्छा लगा। तो एवरीवन चलते हैं अंदर तो एवरीवन आशीष गया हुआ है वहाँ पे टिकट लेने और मैं वेट कर रहा हूँ उसका यहाँ पे गाइस और भीड़ बहुत है। तो फाइनली एवरीवन हमने टिकट ले लिया और गाइस एंट्री के बैठते हैं वहाँ से तो एवरीवन चलते हैं एंटर करते हैं फिलहाल। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज़्म नज़्म सा मेरे। तो एवरीवन यहाँ से एंट्री गाइस वो जो दिख रहा है आपको पीछे हवा में क्या एवरीवन हम पहुंच गए थे जल्दी 11 बजे हम 10 बजे जयपुर उतर गए उसके बाद ये खाना वाना खाया तो बज गए 11 और उसके बाद सीधा हम दिन में कभी हम हवा महल आए नहीं थे तो हमने सोचा पहले हवा महल जाके आए। ऐसे तो WTP काफ़ी जगह है तो फिलहाल गाइस करते हैं हवा महल देखते हैं गाइस पूरा। तो एवरीवन ये चेक करें आप हमारी कल्चर की शान गाइस हमारे कल्चर मतलब गीत संगीत होते हैं ना वो आपको मैं दिखाता हूँ गाइस उस साइड अंदर हो रहे हैं तो चलते गाइस अंदर गाइस ये चेक करो आप। तो एवरीवन ये हमारे कल्चर राजस्थानी कल्चर है गाइस सारा राजस्थान।
तो एवरीवन, ये कुछ हमारे राजस्थानी कल्चर के हिसाब से गाइस खिड़कियां वगैरह, एंड इससे आगे चलते हैं गाइस। ये गाइस सारी खिड़कियां, ये कुछ इसमें इवन फिलहाल मैं हूँ हवा महल के अंदर, और गाइस इस साइड आशीष कैमरा भी लेके आए, तो गाइस ये फोटोग्राफी कर रहा है, एंड काफी भीड़ भी हो रही है बहुत खतरनाक वाली, और गाइस यहाँ से खिड़कियां तो एवरीवन फिलहाल मैं हूँ अंदर की साइड, यहाँ इसका काफ़ी कम भीड़ है, और यहाँ पे दरवाजे एंड यहाँ पे मतलब रूम वूम बने हुए हैं, एंड काफ़ी सुंदर है अंदर से भी, और चलते गए इस बार की ओर। फिलहाल ये चेक करेगा इस, काफ़ी बड़ा एंड मतलब खूब लंबा है गाइस, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की होती है खिड़कियाँ गाइस। ये अभी तो की हुई है लॉक, एंड गाइस बाहर पूरा जयपुर उसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो गाइस। तो एवरीवन ये कुछ बाहर से जयपुर का नज़ारा, एंड मैं हूँ अभी हवा महल के। तो एवरीवन फिलहाल हम और एग्जिट गाइस, ये देखो कितनी पतली पतली, मतलब हम ऐसे लग रहा है कोई मतलब पहाड़ी एरिया में हम आ गए। तो एवरीवन ये चेक कर, ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा हद है जानिया कसम से। तो एवरीवन फिलहाल हम और एग्जिट गाइस, और ये कुछ ऊपर से नजारा यहाँ का हवा महल का। तो एवरीवन फिलहाल मैं हूँ गाइस इस साइड नीचे की ओर, एंड ऊपर भी गाइस जो आपको पीछे दिख रहे हैं वो भी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो एवरीवन चलते हैं ऊपर फिलहाल हम, और काफ़ी देखने लायक, और 50 रुपये का टिकट है, तो आप भी जरूर आना गाइस। तो एवरीवन ये कुछ हवा महल का ऊपर से व्यू, टॉप से गाइस पूरा जयपुर दिख रहा है गाइस। तो एवरीवन फाइनली हम चलते हैं गाइस नीचे की ओर, ऊपर से हमने सारा एक्सप्लोर कर ही लिया गाइस, आपने देखा ये वीडियो में, तो फाइनली चलते हैं नीचे। तो फाइनली एवरीवन मैं आ गया हूँ नीचे वापस, और पानी की आवाज़ आप पीछे देख ही सकते हो, और गाइस एग्जिट से वहाँ से, तो चलते हैं एग्जिट होते हैं गाइस। तो एवरीवन ये पीछे आ रहे हैं आशीष के, सर नाइस टू मीट यू। तो फाइनली एवरीवन आ गए हम नीचे गाइस एग्जिट यहाँ पे, एंड यहाँ से कुछ एग्जिट था गाइस, मैं आज व्लॉग कर रहा था भाई इस पूरे गोरिल्ला गिम्बल से, तो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम चलते हैं गाइस बाहर की ओर। तो एवरीवन हमने एंटर उस साइड से किया था गाइस, और निकले इस साइड से, तो एवरीवन यहाँ वहाँ से कुछ आपको चल कर आना होगा, एंड काफ़ी भीड़ है, 24 घंटे लगभग भीड़ ही रहती है गाइस, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना, जहाँ से फोटो वोटो एंड आपको दृश्य भी देखने को अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पे भीड़ चेक करें आप, तो एवरीवन ये चेक करें गाइस आप, तो एवरीवन ये व्यू चेक करें आप, सामान इत्यादि हम खड़े बड़े खरीद सकते हैं गाइस, एंड ये चेक करें। तो चलते हैं गाइस फिलहाल ऊपर ऊपर की ओर ऐसे।
तो एवरीवन फाइनली हमने यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस। अब 2 बजे का मीटअप है गाइस, मीटअप लोकेशन पे ही जाना है गाइस। 2 बजे से मीटअप, 2 बजे का बोला हुआ है सबका। तो एवरीवन चलते हैं मीटअप लोकेशन। एवरीवन ये व्यू कुछ इस प्रकार का, आशीष वगैरह दिन में आए नहीं थे तो एवरीवन मैं आ गया दिन में, एंड अब चलते हैं गाइस यहाँ से। एंड पहुंच चुके गाइस चांदपोल। अब यहाँ से गाइस हम जा रहे हैं जल्दी वहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है ना, इसलिए हम जल्दी चले जाएं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, तो एवरीवन यहाँ से हम सीधा चलते हैं कॉमर्स कॉलेज और वहाँ पे मिलते हैं मिड टर्म में आपको सीधा। तब तक आप सिनेमैटिक चेक करें। फाइनली हम मीटअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो एवरीवन इस व्लॉग को करता मैं यहीं पे एंड, काफ़ी लंबा हो चुका होगा। तो एवरीवन मैं मिलता नेक्स्ट व्लॉग में। आप मीटअप एंड MR इंडियन हैकर और बाबू भैया को जरूर देखना, अगले वाले व्लॉग का वेट करना, नेक्स्ट व्लॉग में वो आएंगे। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।